नमस्कार, मैं रवि प्रकाश सिंह। आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज का वेब पोर्टल। आजमगढ़ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ और नीलम सोनकर दोनों के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। अब इसे बीजेपी के संगठन की कमी कहिए या फिर नेताओं की उदासीनता कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की इस रैली में भीड़ नाम मात्र रही, शायद इसके जिम्मेदार भी कहीं न कहीं से आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी के वो नेता ही हैं जो दावे तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन उनके दावे हर वक्त हर समय खोखले नजर आते हैं। देखो किस रिपोर्ट में। समाजवाद के गढ़ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गरजे, लेकिन आजमगढ़ जिले में बीजेपी के जरिए आयोजित इस सभा को मोदी का फ्लापसो कहा जा सकता है, जिसके वजह कहीं न कहीं से जिम्मेदार आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी के जिला इकाई यूनिट के लोग हैं, क्योंकि इन लोगों द्वारा जिस तरीके से आपसी गुटबंदी और तमाम तरह की चीज़ें सामने देखने को मिल रही थीं उसका परिणाम आज रैली स्थल पर देखने को मिल गया। निश्चित तौर पर दिनेश लाल यादव निरहुआ जिस दिन से नामांकन किए उस दिन से लगातार ताबड़तोड़ सभाएँ और रैलियाँ कर रहे हैं। बीजेपी के परसेंटेज की बात करें तो बीजेपी का वोट परसेंट इस लोकसभा के चुनाव में जो भी रहेगा वह शायद और शायद सिर्फ निरहुआ की अपनी मेहनत और नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की क्रेडिट का होगा। इस रैली में जो सबसे अहम चीज़ देखने को मिली, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली अन्य जगह पर हो रही है और जिस तरह से आज आजमगढ़ में देखने को मिली, उनके भीड़ को देख करके यह कहा जा सकता है कि इतनी कम उम्मीद भीड़ की तो शायद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नहीं थी। आखिर भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ में किस बात पर अपनी जीत का दाम भरती है? क्या केवल इसलिए कि जो उसके वोट बैंक हैं वह उसे मिलेंगे, या फिर बीजेपी की आपसी गुटबाजी इस रैली के फ्लॉप होने में जिम्मेदार रहेगी? आजमगढ़ जिला इकाई के जरिए जिस तरह से इस चुनाव को लेकर सुस्तता बढ़ती जा रही है उसे देख करके भाजपा यह नहीं कह सकती कि जोश हाई है। बात अगर वोटों की करें तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो वोट बैंक आजमगढ़ ज़िला में हैं वह वोट बिल्कुल बीजेपी के पक्ष में जाएंगे। निरहुआ ने बीजेपी आजमगढ़ को एक नई जान देने की कोशिश की, लेकिन शायद कहीं ना कहीं से यहाँ के वह नेता पूरी तरह से इस रैली के फ्लॉप होने के जिम्मेदार हैं, जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन काम करने की अगर बात करें तो धरातल पर उनका काम कम ही नज़र आते हैं। बहरहाल नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ने मंच के जरिए अपनी बातें रखीं। एक तरफ योगी ने वर्तमान सरकारों की उपलब्धियां बताते हुए जहां अब प्रदेश को अपराध मुक्त भय मुक्त समाज देने की बात कही, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सर्व विकास पर जोर दिया। नरेंद्र मोदी का कहना था कि आज उनकी नीतियों और सभी सोच का ही परिणाम है कि विदेशों में भी भारत की तूती बोलती है, पाकिस्तान को उसके हिसाब से जवाब दिया जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि नरेंद्र मोदी के अकेले काम करने से क्या भारतीय जनता पार्टी अपने आप को खड़ी रख सकती है? क्या आजमगढ़ जिला इकाई के वह नेता इस रैली के फ्लॉप होने में जिम्मेदार नहीं हैं जो लगातार इधर उधर बैठ करके और केवल गप्पे लड़ाते हैं? बात अगर ज़मीनी हकीकत की करें तो दिनेश लाल यादव निरहुआ के अलावा मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा चेहरा रहा जिसने इस चुनाव में अपनी बढ़ चढ़ के सक्रिय भागीदारिता दिखाई हो। बहरहाल इस वक्त नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा के जरिए क्या लोगों से कहा वह आपको सुनाते हैं। 5 चरणों के चुनाव के बाद आप सभी ये देख रहे हैं कि कैसे देश ने आपके इस सेवक को अपना भरपूर समर्थन दिया है। हिंदुस्तान के जिस कोने में मैं गया हूं ऐसा ही जनसैलाब, ऐसा ही उत्साह फिर एक बार ये बात हिंदुस्तान के हर कोने में, हर गांव में, हर गली में, हर घर का मंत्र बन गया है। जब भी कोई
आतंकी हमला होता था तो उसके तार खोजते खोजते एजेंसियां आजमगढ़ पहुंच जाती थी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था, क्या वजह थी? भाइयों और बहनों, यहां जो सपा और बसपा के नेता थे, जो दिल्ली में सरकार थी, वो सिर्फ वोट के लिए आतंक के मददगारों को पनाह दे रहे थे। कार्रवाई के समय पर आतंकियों का भी जात पात पंथ संप्रदाय वही देखा जाता था और उसी के तराजू पर तोला जाता था। साथियों, एक महामिलावटी सरकार का मतलब देश में अराजकता और अस्थिरता, इन लोगों द्वारा फैलाई अस्थिरता देश ने 20 साल पहले भी देखी थी। 2004 से लेकर 2014 तक फिर देश ने ऐसी महामिलावटी सरकार देखी जिसने भारत को दुनिया में शर्मिंदा किया। बहनों और भाइयों, वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने, जातीय समीकरण की राजनीति करने वालों ने, इस महामिलावट वालों ने देश को खतरे में डाल दिया था। 2014 के बाद आजमगढ़ का नाम क्या कारण है कि आतंकियों से नहीं जुड़ता है, और 2014 के पहले क्या कारण था कि आतंकियों के साथ आजमगढ़ का नाम जुड़ जाता था? 2014 के बाद देश के बड़े शहरों में बम धमाकों पर लगाम कैसे लग गई? आतंकी सिर्फ जम्मू कश्मीर और सीमा के छोटे से हिस्सों तक सिमट क्यों गए? साथियों, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी सरकार ने आतंक के खिलाफ देश हित को सर्वोपरि रखते हुए कार्रवाई की है। हमने पाकिस्तान में घुस करके आतंकियों पर प्रहार किया है। के संकट से उभारने के लिए ही मुझे आपके बीच में आना पड़ रहा है, बार बार मुझे आना पड़ा है। याद करिए 2007-08 में जब सिबली नेशनल कॉलेज में अजीत राय की हत्या हुई थी, तब भी मैं आज से 12-13 वर्ष पहले यहां पर आंदोलन करने के लिए आपके बीच में आया था, और तब भी मैंने आप लोगों से कहा था कि आजमगढ़ को आतंक की धरती मत बनने दो। आजमगढ़ अपने साहित्य, अपनी कला और अपनी समृद्ध परंपरा के लिए देश और दुनिया में जाना जाए, जहां हम एक और पोल्ट्री उद्योग के रूप में आजमगढ़ की पहचान को आजमगढ़ के साहित्यकारों के माध्यम से, आजमगढ़ के युवाओं की ऊर्जा के माध्यम से देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इन सभी दलों ने आपको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करके
आजमगढ़ को आतंक की भूमि के रूप में प्रस्तुत करने का कुत्सित प्रयास किया और उसका परिणाम क्या था। उत्तर प्रदेश का नौजवान, आजमगढ़ का नौजवान जब देश के अंदर किसी राज्य में जाता था, नौकरी नहीं पाता था, किराए पे मकान नहीं पाता था, और बटाला हाउस की घटना के बाद तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि आजमगढ़ का नौजवान अगर कहीं मुंबई में, दिल्ली में या देश के किसी शहर में जाता था, होटल या धर्मशाला में भी उसको कमरा नहीं मिल पाता था। ये स्थिति पैदा की किसने? जो लोग आपको अपमानित करने के साथ साथ आजमगढ़ के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किए, वही लोग आज आपके सामने रहनुमा बनकर के फिर आपको जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर बांटने के लिए फिर आ गए हैं। भाइयों बहनों, आप याद करिए, हमारी सरकार आई थी, हमने पहला काम किया लघु और सीमांत किसानों के कर्ज को माफ करने का काम किया। हमने दूसरा कार्य किया, जितने अवैध बूचड़खाने थे एक झटके में सभी अवैध बूचड़खाने हमने प्रदेश में बंद करवा दिए। हमने तीसरा काम किया, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले सौदों के खिलाफ एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। हमने चौथा कार्य किया कि सपा बसपा की सरकार में राजनीतिक संरक्षण में जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया था, उन जमीनों को कब्जों से मुक्त करके हमने पूरे प्रदेश के अंदर एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया। हमने छुड़ाई गई जमीनों पर गौशालाएं बनाई, विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, पॉलिटेक्निक डिग्री कॉलेज बनाए जा रहे हैं, और बची हुई भूमि पर गरीबों को हम लोगों ने वितरित करने का कार्य बची हुई भूमि का भी किया। हमारी सरकार आई, हमने पांचवा कार्य किया, आजकल आप देख रहे होंगे गेहूं की फसल पैदा हुई है, दो वर्ष पहले किसानों को एक कुंटल गेहूं का दाम 900 से 1000 रुपया नहीं मिल पाता था। आज आप जाइए किसी भी क्रय केंद्र में जाएंगे, क्रय केंद्र में गेहूं लेकर के जाएंगे तो भाइयों बहनों, गेहूं क्रय होगा, पर्ची मिलेगी और 48 घंटे के अंदर 1860 रुपए आपके खाते में पहुंच जाएगा। किसानों के लिए उनकी उपज का 1.5 गुना से अधिक दाम देने की कार्रवाई हमारी सरकार ने आने के बाद प्रारंभ किया। गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का बकाया भुगतान करने के साथ साथ सपा बसपा की सरकार में जो चीनी मिलें बंद हो गई थी या जिन चीनी मिलों को इन्होंने बेच दिया था, उन चीनी मिलों को फिर से प्रारंभ करने की कार्रवाई हमारी सरकार ने की और यह भी तय किया कि चीनी मिलों को बेचने वाले लोगों को भी जेल के अंदर भेजने की कार्रवाई होगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने छठा कदम उठाया, पूरे प्रदेश में एक ही बात कही, प्रदेश की सुरक्षा पर, प्रदेश की 23 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए जो खतरा बनेंगे, कानून को जो अपने हाथों में लेगा, उसको हमने साफ संदेश दिया कि याद रखना, कानून को हाथ में लोगे तो या तो जेल जाना पड़ेगा या फिर राम नाम सत्य है कि ही यात्रा निकलेगी, तीसरी कोई और गति नहीं हो पाएगी। ये स्पष्ट संदेश है प्रदेश का और यही कारण है, ये संदेश का परिणाम आज देश के अंदर है। प्रयागराज में कुंभ ऐतिहासिक रूप से मनाया जाता है, पूरी भव्यता, पूरी दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूरे देश के अंदर आज एक ही लहर है और भाइयों बहनों, एक ही नारा गूंज रहा है, मुझे देश के अंदर पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में महिला, पुरुष, बुजुर्ग, नौजवान जो भी मिला, चारों ओर एक ही नारे की गूंज है और वह गूंज है फिर एक बार मोदी सरकार की।